ऐसा किसी का साथ नहीं होए। अपने आप को बचाओ। नमस्कार व्यूअर्स, स्वागत है आप सब कहीं चक्षु ब्लॉग्स पर। आज का ये ब्लॉग लोगों के भलाई के लिए है। कुत्ते के पागल होने के मुख्य कारण जो है वो रेबीज है। रेबीज का रोग एक प्रकार के वायरस से होता है। ये वायरस हवा से या किसी जंगली जानवर से कुत्ते तक पहुंचता है। इसके बारे में और जानकारी के लिए मैंने अपने मेडिकल कॉलेज चंबा के डॉक्टर अभिनव जी से बात की, और जो इस चीज़ के पीड़ित हैं, एक मरीज जो है, हमारा पेशेंट जो है, उससे भी मैंने बात की है। डॉक्टर साहब ने भी ये कहा है कि कुत्ते के काटने पर घाव को तुरंत साबुन और बहते पानी से धो लेना चाहिए। घाव के सूखने पर उस पर एंटीबायोटिक मरहम जो है वो लगाना चाहिए। घाव को साफ पट्टी से ढक दें, तुरंत सरकारी अस्पताल जाकर डॉक्टर से सलाह लें व एंटी रेबीज वैक्सीन लगाएं। आप प्राइवेट हॉस्पिटल में जाने से बचें, क्योंकि वहां पर इसके पैसे जो हैं वो चार्जेस किए जाते हैं। सरकारी हॉस्पिटल में ये जो रेबीज की वैक्सीन है ये मुफ्त में लगाई जाती है, इसलिए आप सरकारी हॉस्पिटल में ही जाएं। अगर किसी को पागल कुत्ता जो है वो काट लेता है तो सेफ जगह की आड़ लें। यदि पागल कुत्ता दिखाई दे तो तुरंत आप, जैसे आप चंबा के बाजार में हैं, तो ऊंचे थड़े पर जाने की कोशिश करें। बच्चों को, बुजुर्गों को बाजार में ना भेजें। अगर आते हैं तो उनके साथ कोई बड़ा आदमी आए और हाथ में 3-4 फुट का जो है वो एक लाठी छड़ी या डंडा जो है वो ले लें। और अगर ऐसा हो जाता है तो रेबीज से बचने के लिए, क्योंकि ये जो रेबीज है ये 1 महीने से 3 महीने के बीच में जब इसके लक्षण जो हैं वो सामने आते हैं, तब फिर मरीज के बचने की संभावना बहुत कम हो जाती है। लेकिन समय रहते इसकी वैक्सीन लगाने से ये जो खतरा है मरीज की जान के ऊपर वो टल सकता है, और इसका दुष्प्रभाव जो है वो पीड़ित व्यक्ति के ऊपर कम हो सकता है। अगर बाई चांस दुर्भाग्यवश किसी को उसका काट भी लेता है तो ऐसे व्यक्ति को तला भुना हुआ भोजन नहीं देना चाहिए। आलू टमाटर धनिया का सेवन भी नहीं करवाना चाहिए, और ऐसे मरीज जो हैं उनको ठंडी जगह में रखना चाहिए। और सबसे ज़रूरी बात यह है कि एंटी जो रेबीज़ के वैक्सीन है वो लगानी चाहिए। आज का ये ब्लॉग, इसमें मैंने डॉक्टर अभिनव जो मेडिकल कॉलेज चंबा में है उनसे बात की है, और जो मरीज़ पीड़ित है उससे भी बात की है, लोगों से बात की है। और मैं आशा करता हूँ कि हिमचक्षु ब्लॉग का आज का ये ब्लॉग लोगों की भलाई के लिए अच्छा साबित होगा। धन्यवाद सर। नमस्ते। हाँ जी, क्या जवाब सर? क्या नाम है आपका? जोतचंद जी। अच्छा सर, कहाँ से हैं आप? मैं मसरूण से। मसरूण से हैं आप? गांव टिबरी। अच्छा सर, ये जो आपके साथ हादसा हुआ, कुत्ते ने जो आपको दांत लगाए हैं, इसके बारे में कुछ बताएं सर। हाँ जी, मैं चंबा में आया ना, मैं चंबा में आ गया बैंक में, उसके बाद मैंने 100 चलिया ऊपर रस्ते मंदिर ना, ऊपर मंदिर जसवी माँ का मंदिर है, उसके साथ मैं गया तो मुझे कोई पता नहीं चला, जो ऊपर कुत्ता दौड़ के मुझे खा गया। तो उसके बाद मैं परेशानी में हो गया, तो मैं आवाजा दी मुझे अस्पताल में पजाओ पजाओ पजाओ, कोई बंदा नहीं आया। एक मुंड आया, उसने मुझे उठाया, तो इसने अस्पताल में पजाया मुझे। अच्छा, ये कुत्ते ने अचानक ही कर दिया अटैक? हाँ जी, हाँ जी, अटैक हो गया मुझे। अच्छा, हाँ जी। तो सर, आपके जैसे चेहरे के ऊपर उसने काटा है ना, हाँ, आप गिर पड़े या उसने? नहीं, मेरी ये पांट पैंट पकड़ी ना नीचे का। अच्छा, ये पैंट पकड़ी था, उसको मैंने लगा ना उसे मुंह धक्का मारा। अच्छा, धक्का मारा आपने? धक्का मार मेरे को पंजा मार दिया ऊपर गुस्सा से। अच्छा, ऊपर अटैक कर दिया? अटैक कर दिया मुझे, तो मेरी होश नहीं रही ना, मैं आऊँ परेशानी में हो गया, आप क्या करें, मैं कहाँ जाऊँ। तो उसके बाद फिर एक मुंड आया बेचारा, अंकल अंकल अठर अठर रहो, एक दर्जी ने पट्टी को बांधी सारा जिक्के खून चल रहा, मैं होश होश कोई की नहीं रही। उसने उठा कर मुझे अस्पताल में भिजाया, इसके बाद दवाई 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 पर्ची पुर्ची बनी, मेरे मुझे तो कोई ध्यान नहीं था। अच्छा, तो बेहोश जैसे हो और गया, तो मुझे भी ग्लूकोज लगा था, एक बंदा सारे बंदे आ गए, कट्टी कट्टी बुरा हाल था, मैं परेशान में हो गया, या अब एक चक्कर क्या हो गया, ऐसी बात है जो हो सर। ये आपके साथ ये इंसिडेंट तो हो गया ना हादसा? हाँ जी, हाँ जी। तो इसके आपके बाद भी बहुत सारे लोगों को चंबा में कुत्ते ने काटा है सर। हाँ जी, हाँ जी। सर, इसके बारे में आप कुछ बोलना चाहेंगे कि लोग कैसे बचें इससे? हाँ, तो इसके बाद आगे का कोई बच्चा छोटा बूढ़ा माँ प्यो सारे बचाओ, बस जाए तो ऐसा हादसा रहेगा तो बहुत नुकसान हो जाएगा,
तो क्या बात है इस चंबे में आने का हमारा, लोग तो दुनिया आ रही है चंबा में, कोई दवाई खा दवाई, कोई क्या, कोई कोई कहाँ अपने काम होता है, कोई सामान लेता है, तो ऐसे ऐसे खाए जाएंगे तो क्या फ़ायदा इस सरकार का, कोई फ़ायदा नहीं है ना थाने का ना ना, ना, ना कोई फ़ायदा नहीं है महकमे का, क्या फ़ायदा इस चीज़ का। सर जब आप हॉस्पिटल में आए, हमारी ये चंबा का मेडिकल कॉलेज है, यहाँ पर आपके साथ अच्छा ट्रीटमेंट हुआ, इन्होंने जल्दी जल्दी इलाज किया, इन्होंने बहुत हमारी फायद की थी। अच्छा, मेरे साथ कोई नहीं था ना, मैं अच्छा था। अच्छा, अकेले थे आप ना? मेरी फोन किया, घर मुझे होश आ गई, फोन किया लड़के को, तो खुद लड़का है मेरी। अच्छा, तो उसने फायद की थी मेरी, ये बोल रहे थे तब तक फर्स्ट एड हो चुका था, आपको इंजेक्शन वगैरह लग चुके थे, जो रैबिस का वैक्सीन होती है वो लगा दी थी। अच्छा, तो जो अपना स्टाफ है मेडिकल का और जो डॉक्टर्स हैं यहाँ के, इन्होंने तब तक संभाल लिया जब तक आपका बेटा आता है ना, तब बहुत सफाई की थी मेरे डॉक्टर ने। सर आपका ये एक मैसेज भी है अपने चंबा के लोगों के लिए कि अपने बच्चों को जो है वो बाजार में बिना मतलब के ना भेजें, कोई बुजुर्ग है उसको भी ऐसे ना भेजें, अगर बच्चे आए तो उनके साथ कोई बड़ा हो और वो अपने हाथ में कोई ऐसे 2.5 फुट का एक सोठी लाठी डंडा जो है वो रखें, है ना, फांसी लेना पड़ेगी। और सर जैसे मान लो कि ये आवारा कुत्ते घूम रहे हैं ना, इनको जैसे अपनी नगर पालिका वगैरह है ये, इनको रोकथाम करनी चाहिए। सर रोकथाम करे ना कुछ ना कुछ, बचाओ दुनिया को। हाँ जी, ऐसा रहा तो बहुत काम खराब हो जाएगा, जैसा आपके साथ हो ऐसा किसी के साथ नहीं हो ना, इसलिए आप ये बात बता रहे हैं कि मतलब बच्चों को भी अकेला ना भेजें, हाथ में डंडा वगैरह भी लें, और नगर पालिका वाले जो हैं वो भी इन कुत्तों को पहचान कर और इनको जैसे मान लो कि कुछ ना कुछ इनका उपाय करें ना, बचाओ ना, तो किसी और के साथ ऐसी बात ना, लोगों के भले के लिए आपने इतना, आपको इतनी तकलीफ है सर, फिर भी आपने लोगों के भले के लिए इतनी बात की है, बहुत बहुत धन्यवाद सर बात करने के लिए। हाँ जी, धन्यवाद। चंबा में जो पागल कुत्ते लोगों को काट रहे हैं, जिससे कि एक आतंक का माहौल है, ऐसे माहौल में हमारे जो सिटीज़न हैं, सीनियर सिटीज़न, उन्होंने भी लोगों के भले के लिए कुछ बात की है। एक बुज़ुर्ग मेरे साथ हैं, आइए उनसे बात करते हैं। सत श्री अकाल सर। सत श्री अकाल जी। सर क्या नाम है आपका? मेरा हरबंस सिंह है। हरबंस सिंह सर, जो हमारे चंबा में पागल कुत्ते लोगों को काट रहे हैं, इसके बारे में आप कुछ कहना चाहेंगे सर? मैं यही कहना चाहता हूँ कि उनकी माँ बाप से एक प्रार्थना करूँगा कि बच्चों को अकेला मत छोड़े, बाजार में जाएं, साथ में जाएं इनके साथ, और डंडा लेके चले ताकि अपने आप को बचा सके। सर ये जो आपने एक सजेशन सलाह दी है लोगों को, अगर इससे लोगों का भला होता है तो बहुत अच्छी बात है। थैंक यू सर बात करने के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद। सत श्री अकाल। चंबा में पागल आवारा कुत्तों के हमला करने पर सीएमओ साहब ने क्या कहा, आइए सुनते हैं। चंबा में जो लोगों के ऊपर पागल कुत्ते हमला कर रहे हैं, और जिससे कि मेडिकल कॉलेज चंबा में भी मरीज दाखिल हो चुके हैं, इस विषय पर जिला चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर विपिन ठाकुर जी से मैंने बात की, आइए सुनते हैं उन्होंने क्या कहा। नमस्ते सर। नमस्कार। देखिए, पिछले 3 दिन पहले यहाँ चंबा के बाजार में पागल कुत्ते ने करीब 20 लोगों को काटा है, और इनका जो इलाज है हमारे मेडिकल कॉलेज चंबा में हुआ है, और इन आए दिनों जो चंबा में और किसी भी ज़िले के विभिन्न स्थानों के मार्केट में बहुत भीड़ है, त्योहारों का सीज़न है, तो हमारी लोगों से अपील है कि भीड़ भाड़ वाली जगह पे जहां ऐसी संभावना होती है कुत्तों के आने की, और उसमें बच्चों को अकेले ना छोड़ें और इधर उधर देख के चलें, और किसी को भी अगर कुत्ते के काट पागल कुत्ते के काटने की घटना होती है तो उसको इतना बहुत ज़्यादा पैनिक ना हो, और रनिंग वाटर में उसको चलते पानी में 20 मिनट तक धोना होता है, और तुरंत किसी नज़दीक के अस्पताल में मरीज को ले जाना होता है, और हमारे स्वास्थ्य विभाग की तरफ से इसके जो वैक्सीन हैं वो उपलब्ध हैं हमारे पास, और इसका तुरंत अस्पताल में इलाज कराएं बिना किसी टाइम को गंवाए हुए, यही मेरी अपील है लोगों से। सर जो आपने सजेशन दी है, इससे कई लोगों का भला होगा। सर बात करने के लिए बहुत शुक्रिया। थैंक यू सर। धन्यवाद। चंबा मेडिकल कॉलेज के डॉक्टर अभिनव जी ने जो डॉगीज लोगों को काट रहे हैं उनके बारे में एक फेवर के लिए बात कही है, आइए सुनते हैं। नमस्कार सर।
नमस्कार सर, ये जो अपने चंबा में डॉगीज जो है लोगों को काट रहे हैं सर, उसमें से एक जो पेशेंट है उससे मैं मिलकर आया हूँ सर। उसने ये बात कही कि जब उसको डॉगी ने काटा तो वो अकेला था, वो जब हॉस्पिटल में आया तो अकेला था, लेकिन डॉक्टर्स ने और यहाँ के स्टाफ ने बहुत अच्छे से ट्रीटमेंट किया सर। इसके लिए सर अपनी जनता को जो है उसके फेवर के लिए कुछ मैसेज देना चाहेंगे आप? मैं चंबा वासियों को बस यही मैसेज देना चाहूँगा कि सड़क पे अकेले ना घूमें, क्योंकि यहाँ पे आवारा कुत्ते घूम रहे हैं चंबा में, जो कि अटैक कर रहे हैं, फेस पे ज़्यादा अटैक कर रहे हैं। और बच्चों को सड़क से दूर रखें, जो स्कूल भी जा रहे हैं बच्चों को भी अभी सड़क से दूर रखें, क्योंकि ये जो कुत्ते काट रहे हैं वो बच्चों के लिए जानलेवा साबित हो सकते हैं। और अगर दुर्भाग्यवश किसी भी व्यक्ति को अगर कुत्ते काटते हैं, कोई भी कुत्ता काटता है, तो उस वो कृपया करके यहाँ पे जो पंडित जवाहरलाल नेहरू मेडिकल कॉलेज चंबा है वहाँ पे आए, वहाँ पे मुफ्त की वैक्सीनेशन सबको दी जा रही है, मुफ्त का इलाज हो रहा है। वो प्राइवेट में ना जाके यहाँ पे सरकारी हॉस्पिटल में आए, यहाँ पे जो भी मरीज आ रहा है उसकी अच्छी तरह से देखभाल हो रही है। और साथ में वैक्सीनेशन के अलावा यहाँ पे जो इम्यूनोग्लोबुलिन होते हैं, जो कि सबसे ज़्यादा ज़रूरी होते हैं कैटेगरी 2 कैटेगरी 3 डॉग बाइट में, वो भी यहाँ पे लग रहे हैं। सर, लोगों की भलाई के लिए, उनके फेवर के लिए आपने इतनी अच्छी सजेशन दी है, मैं सोचता हूँ सर कि ये जो आपकी सजेशन है इससे लोगों का भला होगा। थैंक यू सर बात करने के लिए। धन्यवाद सर। नमस्ते। नमस्कार जी। सर क्या नाम है आपका? रजनीश महाजन। रजनीश महाजन जी, आप जैसे चंबा के रिहायशी हैं और आजकल चंबा में एक मैटर रहा है सर कि पागल कुत्ते जो हैं वो लोगों को काट रहे हैं सर, इसके बारे में आपका क्या कहना है? इसके बारे में मैं ये कह सकता हूँ कि लोगों को अपने आप थोड़ा सा अलर्ट होना पड़ेगा, लोगों को थोड़ा सा ये देखना पड़ेगा कि भाई यदि कोई ऐसा कुत्ता दिखाई देता है आपको, अभी ये तो पता नहीं उस कुत्ते ने जो पागल कुत्ता था उसने कितने कुत्तों को काटा हुआ है, पर तब भी लोगों को अपनी थोड़ी सी प्रिकॉशन लेनी पड़ेगी कि जो कोई ऐसा कुत्ता दिखाई देता है जो उनको लगता है कि यह थोड़ा सा एग्रेसिव है, तो उससे थोड़ा सा हट जाए, थोड़ा पीछे हट जाए। और बच्चों को खासतौर पर अपने साथ इस वक्त मार्केट में ना लेके आए, क्योंकि बच्चों के ऊपर बच्चे अपनी सेफ्टी नहीं कर सकते उसके साथ ना, तो इसलिए मेरे हिसाब से तो वैसे तो थोड़े दिनों के लिए हर एक को थोड़ा सा प्रिकॉशनरी मेजर लेने चाहिए, बाकी तो क्या बोल सकते हैं सर। लोगों की भलाई के लिए आपने जो सजेशन दी है इससे अगर किसी का भला होता है तो बहुत अच्छी बात है। थैंक यू सर बात करने के लिए। वेलकम।